मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा आज कोई मूड तो था नहीं वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कोशिश इसलिए की क्योंकि कुछ ऐसी बात घर में हो गई है। बात ये हो गई है कि मेरे आदित्य को माता रानी आ गई हैं। संडे को ये गए थे नदी में नहाने लखनादरी, और जब वहाँ से आए तो ठंडा गर्म, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब ये नहा के आए तो पूरे बदन में इनको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी। 2 दिन तक तो मुझे लगा कि इचिंग की प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि होती है इचिंग की प्रॉब्लम, थोड़ा इनको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो मुझे वही अंदेशा था, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि नहीं, माता जी का पूरा आसार है। चिकन पॉक्स तो इसी वजह से चिकन पॉक्स नहीं बोलते हम लोग हिंदू संप्रदाय से हैं, चिकन पॉक्स विदेशियों के बातें हैं, तो चिकन पॉक्स बिल्कुल मत बोलना आप। तो जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया है, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुझे अभी तक, मैं सच बोलूँ आपको, तो मुझे आज तक कभी इस चीज़ का सामना करने को नहीं मिला। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे खुद ही हुआ था, पर बहुत छोटी थी मैं, मुझे कुछ भी जानकारी उसका मुझे याद भी अब उतना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जितना मैंने सुना, जितना मैं जानती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि जितना साफ सफाई घर में रख सकते हैं उतना साफ सफाई रखना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है। मैं भी कर रही हूँ, मैं अपना दोनों टाइम इनका बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। कब मतलब नहलाना तो वैसे भी नहीं है, तो बस ऐसे ही बस बदन पोंछ दे रही हूँ कपड़े से, और उसके बाद जो भी खाने की इच्छा हो रही है, दिया बत्ती तो कहीं करना नहीं है, बस इनकी ही पूजा करनी है माता रानी की, तो बस पूजा कर रही हूँ। और जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं, जो भी खाने पीने के लिए वो मांग रहा है, क्योंकि कुछ भी वो खाने के लिए जल कह ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रही कि मैं ये खिला दूँ वो खिला दूँ, पर वो खाने के लिए बोल ही नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो बस मैं यही कर रही हूँ कि जो भी खाए थोड़ा बहुत उसको साबूदाना आलू बहुत अच्छा लगता है। नहीं, जो हमको खाना है वो मिल भी तो नहीं रहा है। क्या खाओगे बताओ, बताओ जो खाओगे बताया ना दे, क्या खाओगे? पक्का कुछ भी मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ क्या खाएंगे आप, तब तुम बना दो। बताए क्या? क्या अभी तुम इडली बोले हो? इडली नहीं, मतलब लहसुन प्याज रहेगा तो चलेगा? देगा अरे नहीं बाबू, लहसुन प्याज नहीं तो खाना है। लहसुन प्याज बताइए नहीं खाना लहसुन है, प्याज हल्दी कैसे खा सकते नहीं खाना हैं? नहीं है, हल्दी, और जितना मुझे जानकारी है कि तड़का नहीं लगाना है, मिर्ची और उतना भी बना नहीं लेना सकते हो। है। तुम मिर्ची और बना सकती क्या हो, बताइए, कचालू, कचालू, किचन कचालू, आलू आलू, वाला, हाँ आलू वाला, आलू इमली वाला? हाँ हाँ वो बन सकता है, वो मैं बना दूंगी, आलू वाला कचालू। ठीक है, और क्या खाएंगे आप और बताइए, अभी हम बता रहे हैं। सोचते रहिए। और देखिए, मैं आदित्य से आप भेंट कर लीजिए, हाय गाइस, बच्चों को भगवान की शक्ति मिल जाती है। हमें हमारे अंदर शक्ति कहाँ है, बच्चे हैं, भगवान का ही रूप होते हैं। और माता रानी, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि जैसे वो आई हैं राजी खुशी, वैसे वो चली जाए। वो ठीक है, थोड़ी सी इचिंग तो होती ही है, थोड़ा सा तो उनका नाम है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती ही है, लेकिन वो ठीक है। मैं अभी अपने जॉब से भी 3-4 दिन की छुट्टी ली हुई है, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पूरा प्रॉपर केयर करना होगा। जितना अधिक मैं केयर करूंगी, मेरा बच्चा उतनी जल्दी ठीक होगा। कि पहले इडली बनाऊँ, तो मैं इडली बनाऊंगी, उसके बाद पूरा प्रॉपर खाना सबके लिए बनाऊंगी, कचालू, कचालू, कचालू बना दूंगी, चर कचालू भी बना दूंगी। और अभी देखिए पूरा घर मैंने एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, क्या हुआ है देखिए, मैं पूरा घर जितना अच्छे धो सकती हूँ पूरा ड्रिप क्लीनिंग करके रखा हुआ है। और यहाँ मैंने इनका एक बाल्टी पानी रख दिया है साफ बर्तन में, इसमें कुछ मीठा है, मीठा यानी कि कोड़ा पाक है। इसमें मैंने कहा फरवी वगैरह नमकीन बना के रख दिया, जब थोड़ा मैं तो हमेशा आके देख रही हूँ, फिर बाय चांस कुछ भूख लग जाए, कुछ इच्छा हो खाने की, तो आके बच्चा मेरा यहाँ से खाल उठा के खा सकता है। और ये देखिए, मैं बेडशीट को रोज के रोज चेंज कर दे रही हूँ, और यहाँ नीम की छाल रखी हुई है, रोज रोज तो नहीं पर हर दूसरे दिन मंगवा देती हूँ, पास में मिल जाती है। और अभी मैंने इनका पूरा बदन पोछ करके अच्छे तरीके से और इनको साफ करवा दिया, और दिया बाती भी कर दी मैंने। और देखिए पूरा घर मैंने एकदम अच्छे धुला हुआ है, पूरा घर कोना कोना साफ किया गया है। और पाठ तो तो आप आप जानते जानते हैं हैं कि कि नहीं नहीं करना करना है, है, पूजा पूजा पाठ पाठ तो तो बस बस देवी देवी माता माता का का ही ही करना करना है, है, तो तो मैं मैं उनकी उनकी ही ही पूजा पूजा कर कर रही रही हूँ। हूँ। और और अभी अभी मैं मैं इनकी इनकी फरमाइश फरमाइश को को पूरा पूरा करूंगी। करूंगी। अभी अभी इन्होंने इन्होंने इडली इडली के के लिए लिए कहा कहा तो तो मैंने मैंने इडली इडली का का तो तो सूजी सूजी वगैरह वगैरह भिगा भिगा दिया दिया है। है। खाना खाना जो जो भी भी मैं मैं दे दे रही रही हूँ हूँ खाना खाना ये ये बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं खा खा रहा रहा है। है। कह कह रहा रहा है है मैं मैं दाल दाल रोटी रोटी सब्जी सब्जी बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं खाऊंगा। खाऊंगा। मुझे मुझे जो जो भी
थोड़ा बहुत खाना है मुझे ये सब बना खिला दो। मैं नहीं, डबल मेहनत हो रही है। माता रानी बोल रही है। मैंने कि इमोशनल ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा है, माता रानी बोल रही है। खैर कोई नहीं, माता रानी आई है तो मैं भी तो उनकी भक्त हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। और इडली बनाना है अभी, तुम तुम्हारे लिए ना अभी कचालू बना दो। अभी आलू बॉयल के कचालू बनाए और इडली भिगाए तो बंद खाओगे? इडली बन जाएगा अभी। हाँ बन जाएगा 10-15 मिनट में। सूजी भिगाई दी है तो इडली बनने में कौन सा टाइम बहुत लगता है। तुम इडली खा लो इडली के साथ चटनी गरी वाला। हाँ ठीक है, सांभर भी बन जाएगा। सांभर? सांभर नहीं बन पाएगा, सांभर कैसे में टाइम लगता है ना। बन सकते हैं तो सांभर इडली खाओगे? दोनों सब कुछ खाओगे, तीनों चीज। फिर खाना हम कब बनाएंगे? सही बात है, कोई ना। मुझे अभी पापा के लिए खाना भी तो बनाना है, मुझे सब्जी बनानी है बंडा साग की और रोटी। मैं आपके साथ वो रेसिपी तो अभी नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मुझे समय ही नहीं, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। अभी हर्ष भी नहीं है, गया है कुछ काम से, पापा उसके जा चुके हैं, तो बस फटाफट से मुझे अभी इन लोगों के इनका नाश्ता और उनका लोकल लंच तैयार करना है। तो मैं ये सब काम कर फ्री होती हूँ तो बात करती हूँ आप सबसे। तो फटाफट से मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ मैं तैयारी भी शुरू कर दी है। मुझे इडली सांभर और चटनी बनानी है। तो यहाँ देखिए दाल को मैंने भून करके भिगा दिया है, वह फूल जाए नरम हो जाए। और यहाँ फटाफट से मैंने यहाँ पे कद्दू काट लिया हुआ है और अब दाल को डाल के लियो। लाइट पर भरोसा तो है नहीं, कभी लाइट कट सकती है। तो फटाफट चटनी को पीस लेते हैं और यहाँ तैयारी में कर रही हूँ लंच की। लंच मुझे बनाना है बंडा साग। बंडा आप जानते होंगे क्या होता है, बहुत जगह नहीं भी मिलता। तो ये सब्जी मुझे बंडा और पालक के साग की बनानी है, बहुत अच्छी सब्जी है। तो यहाँ देखिए तड़का मैं तैयार कर लिया हुआ है, मीठी नीम और सरसों का। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि आपको पता ही है हमें छौकन वगैरह नहीं लगाना है, कोई तड़का नहीं लगाना है। तड़का मैं तैयार कर रही हूँ और एकदम ठंडा कर दे रही हूँ, मुझे कोई हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना है, तो मैं नहीं कर भी नहीं रही हूँ। यहाँ मैंने आलू उबाल कर लिए हुए हैं, शाम की कुछ तैयारी मैंने कर ली हुई है। शाम को उसको चाट खाना है आलू का, जो उन्होंने कहा आलू कचालू तो उसे वो खाना है, तो मैंने उसकी तैयारी भी कर दी हुई है। तो यहाँ देखिए मेरा सांभर चटनी और इडली तैयार है। सूजी का इडली बहुत अच्छा लगता है, मैं आदित्य का फेवरेट है और बहुत झटपट बन जाए रेसिपी है, तो इसमें कोई झंझट भी नहीं है मेरी। चलिए फ्रेंड्स आदित्य को खिलाते हैं अपना इडली और आई होप वो कुछ भी खा ले थोड़ा बहुत। इतने मन से तो मैंने बनाया और इतनी मेहनत के साथ, बस कोशिश में यही लगी हुई हूँ कि बच्चा मेरा कुछ खा ले, किसी तरह से खा ले। आप जानते हैं हर माँ यही चाहती है कि हमारा बच्चा किसी तरह से कुछ खा ले, तो मैं भी वही सोच रही हूँ। और मैंने बनाया तो है बहुत ही मन से, पर बस वो खा ही ले, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो चलिए उसको देते हैं, खिलाते हैं। आदित्य ब्रेकफास्ट सांभर की है, सांभर की है, सब बना दिए, सही है ना। रिश्ता मेरी रिश्ता नहीं खाओ। सांभर कैसा है? अच्छा है, खा के दिखो। कैसा है? तो नमक कम, नमक कम डालना डाले कि नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इतना फटाफट से बनाया है ना। अब उसको रखो मेरे मोबाइल मोबाइल को पहले पूरा फिनिश करना, बनवाया हो तो बहुत मेहनत से और नमक कम तो बहुत नमक लेके आ रहे हैं। हाँ वहाँ से हटाओ, फटाओ खाई में रखो। उसको नहीं पता है कि हल्दी वगैरह नहीं खाना है और तड़का भी नहीं लगाना है, तो मैं सोच किसी तरह से वो खा ले, कुछ भी वो खा ले, बस मैं उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। मैंने बनाया, मुझे याद ही नहीं था उसके नमक नहीं, और बहुत बनाया है, भरपेट मिलेगा। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने नमक डाला है कि नहीं। अब मैं टेस्ट करती हूँ क्योंकि पहले तो जानते ही, पहले उनको खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आदित्य को खिलाकर अब मैं लग गई हूँ लंच तैयार करने में। तो यहाँ देखिए सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है, सभी चीज़ें बन चुकी हैं, बस मुझे रोटी बनानी रह गई थी। तो फटाफट से बना के मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स एक काम से फ्री हुए तो दूसरे काम में लग गए हैं। अब मुझे चलना है, ऊपर कपड़ों को उतारना है, कुछ कपड़े धुले हुए हैं कल के, कुछ मैंने आज धुले हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जानती हैं सफाई वफाई बहुत ज़्यादा इसमें करनी होती है। हल्का फुल्का गीले हैं, हल्के फुल्के से Thank you.
पेरेंट्स, इतने ज़्यादा काम हो जा रहा है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। और देखिए सुबह से मैंने अपने बाल भी नेटिव किए, अभी काम दुगना नहीं चौगुना हो चुका है मेरा, बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है। पर क्या करें, करना अभी मुझे अकेले को ही पड़ेगा। अंशिका अपने स्कूल गई हुई हैं, थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं या संजोग जो भी आप कह जाते कह सकते हैं, इसकी वजह से ये हो गया है। माता रानी करें बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए, किसी तरीके से वो ठीक हो जाए, बस मैं यही चाह रही हूँ किसी तरीके से वो ठीक हो जाए। बस मेरी एक ही विषय वो ठीक हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और आप पता ही जितनी मेहनत हम लेडीज कर लेती हैं, हम लोग को भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दिया होता है संघर्ष शुरू से ही करने का, तो जितनी मेहनत में हम लोग कर सकते हैं उतनी मेहनत हस्बैंड जी लोगों से तो नहीं हो सकती, और उनसे देखा भी नहीं जा रहा है। सबसे अधिक प्यार आप कह सकते हैं कि उनका फेवरेट बच्चा उनका छोटू है आदित्य, दो नाम उसके हैं तो हम लोग छोटू ही बुलाते हैं, तो कि वो पापा का अपने बहुत बुलाना है, बहुत बात उनकी मानता है, और वो ये हालत में वो देख नहीं पा रहे हैं उसको, तो बहुत ही कम सामना भी कर रहे हैं। चलिए मैं इमोशनल होती जा रही हूँ अभी आपसे बात करते करते, तो इस बात का टॉपिक यही बंद करते हैं। तो दिन भर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, और ये शाम का समय है, शाम के नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं देखिए एक तरफ चाय रख दिया हुआ है और एक तरफ साबुदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, साबुदाना आलू बोलते हैं हम इसको, और ये बहुत टेस्टी लगता है, मेरे आदित्य का शुरू से ही फेवरेट है। बस मैं यही चाह रही हूँ कुछ भी वो थोड़ा सा भी खाए और फटाक से वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसका मन खुद ही नहीं लग रहा है, भाग भाग के नीचे ऊपर कर रहा है। मैं मना कर रही हूँ कि तुम एक जगह बैठो, पर वो नहीं मान रहा है, है तो बच्चा ही ना। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल।